अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम फ्यू मिनट्स वेट करेंगे, कुछ लोग और ज्वाइन कर लें, फिर हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया काइंडली मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। थैंक यू अब्दुल्ला उस्मान, लाउड एंड क्लियर। बस गाइस जस्ट फ्यू मिनट्स, एक या दो मिनट और वेट कर लेते हैं, कुछ लोग और ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस आज के इस लाइव सेशन के लिए। मेरे चार साल का जो मेरी लर्निंग्स हैं उनका निचोड़ जो है वो होगा इस सेशन में। तो और प्योर इसका जो रीज़न है इस सेशन का, वो आप लोग को वैल्यू देना है और आप लोग को मतलब कोशिश करनी है कि आप लोग इससे ज़्यादा लर्न कर सकें, ताकि जो मिस्टेक्स मैंने की हैं वो आप लोग ना करें। तो थैंक यू गाइस फॉर कमेंटिंग। ज़ुबैर अहमद, अजलान सलीमी, थैंक यू। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। मुझे सिर्फ बता दें कि आप लोग को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है, स्ट्रीम यार्ड की स्क्रीन होगी। यस, थैंक यू। ओके जी, कमाल हुसैन बिजनेस जर्नी फ्रॉम जीरो इन्वेस्टमेंट टू स्टार्टिंग 8 बिजनेसेस। आज का जो सेशन होगा उसमें ब्रीफली मैं क्या बताऊंगा, ईच एयर बाय एयर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने हर साल क्या क्या मेजर चीजें की और उन मेजर चीजों में से मैंने क्या क्या लर्निंग्स की, टॉप लर्निंग्स मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि लर्निंग्स तो एक साल के अंदर इतनी ज्यादा हो कि वो सब रिटन फॉर्मेट में नहीं बताई जा सकती। तो मैंने उसको बिल्कुल उसका निचोड़ उसका कंक्लूड करके मैंने टॉप लर्निंग्स अपनी आप लोगों को बताई हैं, बताऊंगा इस सेशन में। ठीक है जी, तो ये आज के हमारा सेशन का मकसद है। Stay till the end for 3 very special surprises. जो लोग एंड तक रहेंगे साथ, बहुत जबरदस्त मेरे पास 3 चीजें हैं आप लोगों के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली हमारी जो ये सेशन होगा फ्रॉम 45 मिनट्स टू 1 आवर का होगा, एंड एंड तक बिल्कुल रहिएगा ताकि आप लोग भी जो है वो स्पेशल सरप्राइजेस जो है उनको आप फोरसी कर सको। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं 2018 स्टार्टेड द बिजनेस जर्नी। ठीक है जी, थोड़ा सा इससे पहले अगर मैं बैकग्राउंड बताऊं तो काफ़ी यहां पर मेरे दोस्त हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है और ऑलरेडी मुझे जानते भी हैं कि 2017 में मैंने एनईडी यूनिवर्सिटी कराची से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट किया था, और ग्रेजुएट होते ही आई थिंक डिग्री से पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फातिमा फर्टिलाइजर में जॉब लग गई थी। फातिमा फर्टिलाइजर जो है वो पाकिस्तान की टॉप फर्टिलाइजर कंपनी इंडस्ट्रीज में आता है, जो सादकाबाद में थी। तो बैग पकड़ा चले गए सादकाबाद में रहना शुरू कर दिया। फातिमा फर्टिलाइजर में जब मैंने एक साल गुजारा तो मैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करता था। मैंने जो है वो कारपेट का बिजनेस स्टार्ट किया फातिमा फर्टिलाइजर में, एक फातिमा फर्टिलाइजर के ही किसी एक एम्प्लॉई के साथ। उसमें मुझे बहुत बड़ा फेलियर मिला, उससे भी मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी।
तब तो बिल्कुल कुछ सेंस ही नहीं था कि बिजनेस क्या होता है, कैसे किया जाता है। तो वो एक मेरे लिए एक बड़ी समझो एक चपेट थी। तो एक साल जब फातिमा फर्टिलाइजर में मैंने जॉब की, तो हुआ यूं कि बिजनेस का तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा शौक था कि अपने लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है। और 80,000 सैलरी जो है वो एक साल के बाद मुझे ऑफर हो रही थी, प्लस कार भी दे रहे थे। बट वो सब छोड़ के मैं कराची वापस आया और 25,000 की जॉब मैंने ज्वाइन की, इवेंट मैनेजमेंट की। अब जो लोग मुझे जानते हैं कि एनईडी यूनिवर्सिटी में मैंने बहुत बेतहाशा इवेंट्स करवाए, बहुत प्रेसिडेंट भी था, बहुत चीजें, तो एक शौक था। तो उस फील्ड को एक्सप्लोर करना था, उसके लिए मुझे एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना था, कार को और 80,000 सैलरी को मुझे लीव करना था, और 25,000 की जॉब मुझे इवेंट मैनेजमेंट में सीखना था। तो जब मैं कराची आया तो मेरे काफी जो है रिश्तेदार और काफी दोस्तों ने मुझे बहुत कुछ सुनाई कि लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आप छोड़ के आए हो, और लोग मरते हैं इस तरह की जॉब के लिए, और तुम्हें एहसास नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बट उनको उनको मेरी जर्नी, मेरा मेरे क्या विजन है, वो सब चीजें नहीं पता थी। तो वहां पर मैंने बर्दाश्त किया काफी। तो इस और काफी सारी चीजें हैं इस ईयर में, बट टॉप लर्निंग्स की अगर बात करें, मैंने द पावर ऑफ मनी सीखा। और इसको मैं क्विकली आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, मोबाइल स्टोरी। हुआ यूं कि फातिमा फर्टिलाइजर में हमने ज्वाइन किया, तो स्टार्टिंग सैलरी थी 60,000। तो जैसे ही 60,000 आए तो आंखें वगैरह सब कुछ खुल गई, एक साथ इतना ज्यादा पैसे देखना। और इसमें ये है कि इससे पहले ट्यूशंस पढ़ाते थे तो मैक्सिमम 5,000, 6,000, मैक्सिमम 10,000 मिलते थे, और इतना ज्यादा जो है वो काम करने के बाद भी। तो हुआ ये कि जब जॉब से पहले जब मेरा मोबाइल घूमता, तो आपको पता है कराची के हालात कैसे हैं, तो एक बहुत मैं बहुत एक अलग फेज में चला जाता था। मैं बहुत टेंशन होती थी कि यार अब पैसे कहाँ से आएंगे नया मोबाइल लेने के लिए, फिर से जमा करो, या आप अपने मोबाइल को डाउनग्रेड करो, फिर छोटे मोबाइल में जाओ, आप टच मोबाइल था तो आप उसमें आ जाओ, कीपैड वाले मोबाइल में आ जाओ। तो एक बड़ी एक टेंशन में चला जाता था मैं कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए। बट फातिमा फर्टिलाइजर में जब मैं था, तो हम मुल्तान से वापस आ रहे थे 7 का बाद, तो रास्ते में हम पेट्रोल पंप में रुके, वहां वॉशरूम में मैं मोबाइल भूल गया, और थोड़ी सी देर के बाद गया मोबाइल गायब। तो मैं इतना सुकून में था, मैंने ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिला। उसके बाद मैं इतना सुकून में फौरन आ गया, वहां पर मैंने रियलाइज किया कि मैं सुकून में अभी क्यों आया, और पहले जितने भी दफा भी मेरा मोबाइल घूमा है, 4-5 दफा मोबाइल घूम चुका था, चोरी चुका था, गन पॉइंट पे जा चुका था, तो वो मैं एक एक हफ्ता, दो दो हफ्ते में उस फेज में चला जाता था। क्यों? उसका मुझे ये पता चला, वहां पर लर्निंग मेरी ये थी कि भाई मुझे पता है मेरे बैंक बैलेंस में मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं, मैं फौरन फातिमा फर्टिलाइजर जाऊंगा 7 का बाद, एक दोस्त को कॉल करूंगा, रजा को मैंने कॉल की थी, मेरे दोस्त हैं, उनको मैंने कहा भाई ये मोबाइल मुझे चाहिए, मुझे भेजो। रजा ने मोबाइल खरीदा कराची से, वो उसने बस अड्डे पे दिया, मैंने 7 का बाद से बड़े बस अड्डे में तीसरे दिन मैंने रिसीव कर लिया नया मोबाइल। तो वहां पर मुझे ये सीखने को मिला द पावर ऑफ मनी, के अगर आपके पास पैसा है ना, तो यार सीधी सी बात है कि आप चीजें इजी हो जाती हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने ये सीखा। सेकंड मेरी जो लर्निंग थी, टू ग्रो यू मस्ट टेक एक्शन एंड समटाइम्स दे आर पेनफुल। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट डिसीजन, 80K, और 80K तो उस साल थी, फिर अगले साल और इंक्रीमेंट, चीजें, बाहर के विजिट, बहुत चीजें वहां पर होती हैं। टॉप इंडस्ट्री है फातिमा फर्टिलाइजर के बारे में आप देख सकते हैं, और वो बहुत डिफिकल्ट डिसीजन होता है, तो ये आपको लेने पड़ते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, इफ योर गोल्स आर चेंजिंग इट मीन्स यू आर प्रोग्रेसिंग। काफी दफा लोग ये समझते हैं कि कभी मैं क्या करता हूँ, कभी क्या करता हूँ, मैं जो है वो पहले मैं ये करना चाहता था, फिर मैं ये करना चाहता था। ये इटसेल्फ इट्स अ गुड थिंग दैट यू आर थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ, ठीक है, इसमें आपको वो करने की जरूरत नहीं है। तो गोल्स चेंज होना मैं समझता हूँ कि इट्स अ गुड थिंग कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो अपनी लाइफ में और अपने बारे में सोच रहे हो एटलीस्ट। तो ये एक समरी थी मेरे 2018 साल की। आगे चलने से पहले मुझे फिर से एक दफा काइंडली बता दें कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन और मेरी आवाज क्लियर आ रही है। अच्छा जी, जबरदस्त, थैंक यू थैंक यू। मोहम्मद उजैफा, अब्दुल रहमान अब्दाली, थैंक यू जी। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड,
चलते हैं आगे 2019 की तरफ। 2019 बड़ा इंटरेस्टिंग साल था और इसमें मुझे मेरी बिजनेस जो है ना जर्नी का ब्रेक थ्रू मिला। 2019 में मैं कहता हूँ कि मैं ई कॉमर्स वर्ल्ड में आया। तो स्टार्ट करते हैं, 2019 स्टार्ट हुआ, मैंने डिफरेंट बिजनेस किए, दोस्तों के साथ मिलके वर्किंग की, प्रिंटिंग बिजनेस की वर्किंग की, फूड बिजनेस की वर्किंग की। पाकिस्तान में कबाड़ी मार्केट है, शेरशाह मार्केट, आप लोगों को पता है, उसके इतने विजिट किए और वो पूरे शेरशाह को मैं रेवोल्यूशनाइज करने चला था। अभी भी सोचता हूँ बहुत मुझे हंसी आती है। तो बहुत सारे बिजनेसेस की वर्किंग की बट एक भी बिजनेस शुरू नहीं किया। ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था और इसने मुझे ब्रेक थ्रू दिया। ब्रेक थ्रू कैसे दिया, एक बड़े अच्छे दोस्त हैं उनके पास में गया और वो सालों साल, और मेमन है वो, उन्होंने सालों साल वो बिजनेस करते हैं। उन्होंने मुझसे एक एक्टिविटी करवाई, उन्होंने बोला कमाल एक काम करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं। मतलब ठीक है अहमद भाई, वर्किंग करते हैं, आप बताएं मुझे क्या चाहिए, कैसे वर्किंग, वर्किंग ये वो ये वो। उन्होंने बोला भाई रुक जा रुक जा, वर्किंग होती रहेगी, सबसे पहले फेसबुक ऐड चला और सेल्स पकड़। मैंने बोला करना क्या है, उन्होंने बोला भाई ये देख वीडियो। वो वीडियो क्या थी, बेसिकली आप एक मटेरियल होता है उसमें अपना हाथ डालते हो, हाथ आप निकालते हो तो, और उसके अंदर फिर क्ले डालते हो तो वो एक आपके हाथों का शेप बन जाता है और शोपीस के तरीके से आप अपने घर पे रख सकते हो। इम्प्रेशनिस्ट नाम से अभी भी मेरा फेसबुक पेज है, 2018-2019 मैंने शुरू किया था, आप लोग वो फेसबुक पे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो उन्होंने, मैंने कहा ठीक है, सेल्स हम कैसे, सेल्स आ गई अहमद भाई तो फिर हम उसको फुलफिल कैसे करेंगे, मटेरियल कहाँ से आएगा, बनाएंगे कैसे। कह रहे सब बातें बाद में, पहले देखो कि हम इसमें इसको बेच सकते नहीं बेच सकते। मैंने ठीक है, फेसबुक एड्स जो है ना वो आती थी, फेसबुक एड फॉरन चला दी, एक ऑर्डर आ गया, एक्स पॉलिटिशियन था डिफेंस में, 500 गज का उसका बंगला था, उसने ऑर्डर दे दिया। हम गए, जाने से पहले हमने जो है ना, मैंने अहमद भाई को, अहमद भाई ऑर्डर आ गया अब क्या करें, कहते हैं अब प्रोडक्ट खरीदते हैं। हम गए इधर बंस रोड पे गए, हम एक दुकान से हमने प्रोडक्ट खरीदा, उसको एक दफा ट्राई किया नहीं बना, दूसरी दफा ट्राई किया थोड़ा बहुत बना, तीसरी दफा बस थोड़ा बहुत बना, और अगले दिन जाना था तो बस पैक करके सामान बाइक में दोनों बैठे और गए। और वो बंगलों में गए हम लोग, एक्स पॉलिटिशियन के, उनकी फैमिली थी, 3 लोग थे, तीनों का हाथ वो हमने किया पूरा बनाकर, हमने उनको अच्छा सा फ्रेम लगाकर हमने उनको दिया। वो 10,000 का एक ऑर्डर था और हमने उसको 2 दिन में एग्जीक्यूट किया और हमारी जो कॉस्टिंग थी वो तकरीबन 2,500 थी। ये मेरे लिए ब्रेक थ्रू था। वहां पर मुझे एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि यार ये जो हम लोग इतना वो करते हैं, इतनी फाइन लाइनिंग करते हैं हम लोग, इतनी वर्किंग करते हैं, ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो ऐसे। आप लोग जितने भी आज यहाँ पर कनेक्टेड हो, मुझे बताओ कि पिछले 4 दिनों से आप लोग मेरी वॉल पे क्या देख रहे हो, आप लोग क्यों आए हो आज यहाँ पर, क्योंकि फास्ट एग्जीक्यूशन किए भाई। मैंने मैंने पहला पोस्ट डाला, आप जाके देखो मेरे फेसबुक पेज पे, देखो फेसबुक प्रोफाइल पे देखो, मेरा पहला पोस्ट कब था, संडे या मंडे को मेरा था, आज सैटरडे और आज हम बैठे हुए हैं और आज आज आप लोग की अटेंशन मैंने ग्रैब की है। व्हाट इज दिस, दिस इज क्विक एग्जीक्यूशन। क्विक एग्जीक्यूशन करो, मार्केट को स्टडी करो, मार्केट आपको आपके सवालों के जवाब देगी, ना कि मार्केट में आप जाने से पहले जो है वो अपने दिमाग से वर्किंग कर रहे हो। वो ठीक है बेसिक वर्किंग करनी होती है, लेकिन वो उस पर आप महीनों महीनों लगा रहे हो, प्रिंटिंग में, फूड में, शीशा में, मैंने महीनों लगा दिए, जाया किए अपने, और एक एक्चुअल स्टार्ट करने की तरफ मैं गया नहीं। तो दिस वॉज अ ब्रेक थ्रू फॉर मी। और बहुत ज्यादा लोग इस चीज में फंसे हुए हैं, बहुत ज्यादा लोग फंसे हुए हैं, मेरे अपने दोस्त काफी सारे हैं, तो काइंडली मेरी इस स्टोरी से इंस्पिरेशन लें और शुरू करें। लोकल ई कॉमर्स जो है वो थोड़ी बहुत स्टार्ट कर दी थी, फेसबुक एड्स आ गए थे, वॉचेस थी डिफरेंट जो है वो कंपनीज की, उनको थोड़ा जो है ना उनकी ई कॉमर्स वगैरह की। फिर जो है वो स्टार्टेड अमेजॉन जर्नी एज अ सर्विस प्रोवाइडर। 2019 के जो एंड था उसमें सैद कनीब, जस्ट वन टाइम, एक हैं इंग्लिश ट्रेनर हैं, उनका 3 लाख रुपए का कोर्स था अमेजॉन FBA PL का, वो खरीदा और वो पूरा कंप्लीट किया। मुझे पहला प्रोडक्ट जो मुझे मैंने हंड किया, मैं 6 घंटे डेली लगा था, 6 से 8 घंटे, और पहला प्रोडक्ट मैंने 18 दिन में जो है वो हंड किया। और आज मैं जो प्रोडक्ट है उसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो आज मैं 2 या 3 दिन में कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन क्या, वो एक इनिशियल लर्निंग थी, उसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो मैंने इन्वेस्ट किया लर्निंग में, अमेजोन का ऐसे नहीं कि डायरेक्ट जो है वो 2-3 वर्ड याद किए, अच्छा यार FBA क्या होता है, FBM क्या होता है, PL क्या होता है, होलसेल क्या होता है, ड्रॉपशिपिंग क्या होता है, चलो यार क्लाइंट्स पकड़ना शुरू कर दो। नहीं, पहले सीखा जो चीजें बगैर पैसों के हो सकती थी। प्रोडक्ट हंटिंग आप बगैर पैसों को खुद अपने टाइम से कर सकते हो, आप सोर्सिंग तक भी कर सकते हो, सोर्सिंग वहां तक कर सकते हो जहां तक आपको सप्लायर को ऑर्डर नहीं देना हो, 30% का ट्रेड अश्योरेंस पे नहीं करना हो आपको, उससे पहले तक तो आप पूरा काम खुद कर सकते हो ना बगैर पैसों के। तो क्यों ना करो, आप क्यों क्लाइंट पकड़ो, उसको आप जो है ना वो नुकसान पहुंचाओ, पहले सीख लो भाई, ठीक है। तो मैंने पहले सीखा,
अच्छा, इसके अलावा फिर शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग जो है वो स्टार्ट की थी, डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट्स की गिफ्ट आइटम्स थे कुछ, क्या थे, इटली में बेचा, फ्रांस में बेचा, यूएस में बेचा, यूके में बेचा, बहुत सारे कंट्रीज में उसको बेचा, पर ओवरऑल काफी उसमें लर्निंग की शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग की। तो ये मेरा 2019 था। इसकी टॉप लर्निंग्स क्या हैं? 2019 की टॉप लर्निंग्स हैं स्टार्ट फास्ट, फेल फास्ट, रीस्टार्ट फास्ट। ठीक है जी, तो इसको फिर से रीड करें मेरे वो वाले दोस्त, ठीक है, जो कि बस सिर्फ सोच रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे, ठीक है, और कुछ करना चाहते हैं, तो वो ये समझें दिन में 10 दफा जो है इसका, इसको रीड करें। स्टार्ट फास्ट, फेल फास्ट, रीस्टार्ट फास्ट। सेकेंड लर्निंग, इन्वेस्ट इन लर्निंग, इन्वेस्ट इन लर्निंग, इन्वेस्ट इन लर्निंग, इन्वेस्ट इन लर्निंग। ठीक है जी, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। तो आगे चलते हैं 2020 की तरफ। 2020 में जो है वो मेरा जो है मेरी सर्विस कंपनी है उसको स्टार्ट करने वाला ईयर है। इसका अगर स्टार्टिंग अगर पॉइंट देखें तो जैसे ही मैंने अमेजोन FBA PL का कोर्स किया, सैद किनीब का, 3 लाख रुपीज का वो कंप्लीट किया, फिर एक एक आहिस्ता आहिस्ता क्लाइंट पकड़ने लगे, उनको वैल्यू देने लगे, फिर एक कंपनी ज्वाइन की, बहुत बड़ी कैनेडियन कंपनी थी, वहां पर जो है वो एज अ PPC एक्सपर्ट में गया, वहां पर उनकी पूरा कराची का जो वो था, कराची का पूरा ऑफिस था वो मेरे अंडर था, वो सब चीजें मैं देख रहा था वहां पर कराची को, क्योंकि दोनों को फाउंडर्स जो है वो कैनेडा में थे। फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसमें प्रोग्रेस ली, प्रोग्रेस ली, क्योंकि अभी भी जो है ना वो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कंपनी मैंने स्टार्ट कर ली, अभी भी लर्निंग, कॉर्पोरेट लर्निंग, अमेजोन के सिस्टम्स कैसे बनते हैं, अमेजोन की सर्विस की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से डिलीवर करना चाहिए, ये सब मुझे सीखना था। तो ये मैंने उस कंपनी से सीखा, कैनेडियन कंपनी जो थी। अच्छा, फिर क्या हुआ, 6 महीने गुजरे और 6 महीने में उन लोगों को प्रोग्रेस मेरी बहुत अच्छी लगी, तो उन लोगों ने मुझे मैनेजर की ऑफर कर दी, तो वहां पर ही मैं मैनेजर बन गया। बड़ी जबरदस्त सैलरी, जो फातिमा फर्टिलाइजर में सैलरी थी उससे तो बहुत ही अच्छी माशाल्लाह सैलरी। फिर जो है वो फिर जो है जैसे ही mid 2020 हम पहुंचे, तो मेरा एक बहुत बहुत करीबी दोस्त जिससे मेरी दोस्ती 9 साल से, हसान बेग, आप लोग जानते हैं, उसके साथ मैंने पार्टनरशिप की और एम जोनर कंसल्टिंग हमने स्टार्ट की July 2020 में। अच्छा जी, फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि हमने जो है वो अच्छा, फिर मैं वो वाला आपको टाइम बताता हूँ जब मैं कैनेडियन कंपनी में भी काम करता था और मैं अपनी कंपनी भी हमने स्टार्ट कर दी थी। सुबह को 8 बजे हम निकलते थे, ठीक है, अपने अपने ऑफिस, मैं अपने ऑफिस जाता था, हसान अपने ऑफिस जाता था, 6 बजे हम लोग फारिग होते थे, 6 बजे मैं और हसान हसान की छत पे आते थे और वहां पर हम लोग रात को 1 बजे तक काम करते थे। और इसी दौरान मेरी शादी भी हुई, मेरे शादी के सारे काम, चीजें वगैरह सब कुछ, तो ये डेली का रूटीन था, ये तकरीबन 5-6 महीने ये रूटीन था हमारा जब से हमने एमजोनर कंसल्टिंग स्टार्ट की थी। तो ये ओवरऑल 2020 का ये था, और बहुत चीजें हैं, मैंने सिर्फ एक कंक्लूड करके, कंसाइज करके आपको बताना चाह रहा हूँ। टॉप लर्निंग्स क्या थी 2020 की? द इनिशियल स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हो, कोई भी चीज आप करते हो ना, इनिशियल जो आपका टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो आपको मेक या ब्रेक करेगा, ठीक है, उसमें आपको अपनी जान लगा देनी है। मैं पिछले 5 दिनों की अगर मैं बात करूं तो मैं जो है वो ग्राफिक डिजाइनर से भी बात कर रहा हूँ, कॉन्टेंट से भी बात कर रहा हूँ, मैं खुद बना रहा हूँ, कैनवा पे डिजाइन है मैं खुद बना रहा हूँ, मैं जो है वो ये पूरा आज की जो प्रेजेंटेशन है, चीजें सब कुछ मैंने खुद की है, और बहुत ज्यादा जो है वो आज सैटरडे है, मैं सुबह से बैठा हुआ हूँ और कल भी मुझे बैठना है। वेबसाइट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो पूरी की पूरी वेबसाइट मैंने खुद बनाई है 2 दिनों के अंदर, 1.5 दिन के अंदर। तो इनिशियल टाइम जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो फ्रॉम 10 AM to 1 AM वाले मैंने पूरी स्टोरी आप लोगों को बताई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मेरे शादी के दिन थे, आपको पता है शादी के कितने काम होते हैं, क्या होता है। मैंने अपने घर वालों को बिठाया, मैंने कहा कि 2 ऑप्शंस हैं, आप लोग दोनों में से जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। मैंने बोला या तो मैं एमजोनर कंसल्टिंग को रोक दूं, सिर्फ जॉब करूं और 6 बजे के बाद मैं शादी के काम आप लोगों के साथ करवाऊं, ठीक है, या तो शादी के कामों में आप लोग मेरी हेल्प करें, ठीक है, और मैं जो है वो एमजोनर कंसल्टिंग की जो बुनियाद रख रहा हूँ उसके ऊपर मैं फोकस करूँ। तो घर वालों ने बहुत सपोर्टिव हुए, बहुत सपोर्टिव हुए, उन्होंने कहा भाई आप शादी की फिक्र छोड़ दो, मुझे पता ही नहीं है मेरी शादी के काम कैसे हुए हैं, कैसे चीजें आई हैं, आई डू नॉट नो, और अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा। घर वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह इतना साथ दिया जैसे कोई हद नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैंने यहाँ पर सीखा कि फैमिली सपोर्ट वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। थर्ड, बूटस्ट्रैपिंग मैंने सीखी कि कोई भी बिजनेस अगर आपको शुरू करना है और उसके बारे में आपको नहीं पता, तो भाई बूटस्ट्रैपिंग करो पहले,
बूटस्ट्रैपिंग क्या है, स्टार्टअप में ये वर्ड यूज होता है कि आप जो है वो छोटे छोटे से स्टार्ट करो, पहले छोटे से, पहले ऐसे नहीं ना कि हमने जिस दिन पार्टनरशिप की मैंने और आसान है हमने बोला भाई जॉब छोड़ो और जो है ना वो क्या होता है बस जो है ना वो फुल टाइम जो है वो एम्स ओनर कंसल्टिंग में लग जाओ। हमने जॉब तब छोड़ी जब हमें पता चला कि हाँ एम्स ओनर कंसल्टिंग अब स्टेबल हो गई है और हम जॉब से जितनी सैलरी निकाल रहे हैं वो हम अपनी कंपनी एम्स ओनर से निकाल सकते हैं। जब हमें ये पता चला तो हमने फौरन उसको लीव कर दिया। टोटल एक साल मैंने कैनेडियन कंपनी में काम किया, ठीक है। तो क्योंकि किचन इनकम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, किचन इनकम अगर आपकी हिट होगी आप सोचने की सलाहियत आपकी कम हो जाएगी, तो किचन इनकम हिट नहीं होनी चाहिए। तो जब आपके पास लिमिटेड टाइम, लिमिटेड बजट होता है और लिमिटेड आपको एक्सपीरियंस होता है, तो बेस्ट वे टू स्टार्ट योर बिजनेस इज बूटस्ट्रैपिंग, इज बूटस्ट्रैपिंग। मेरे जितने भी दोस्त जो हैं वो जॉब कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कल जॉब से रिजाइन करो, मैं कह रहा हूं भाई अपने आप को तकलीफ में डालो, 6 बजे घर आओ, 6 बजे के बाद 1 बजे तक काम करो और बूटस्ट्रैपिंग से एक चीज स्टार्ट करो, 6 महीने उस पर लगाओ। जब वो एक किसी हद तक पहुंच जाए फिर आप डिसीजन लो कि जॉब छोड़नी है क्या करना है। तो बूटस्ट्रैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बूटस्ट्रैपिंग मैंने कहा जब टाइम, पैसा और आपके पास जो है वो एक्सपीरियंस कम होता है तब करना चाहिए। जब आप एक अच्छे बड़े इन्वेस्टर बन जाते हो तब आप बूटस्ट्रैपिंग नहीं करते, क्योंकि आपको पता होता है कि ऑलरेडी वो चीज स्टार्ट कैसे करनी है, उसको स्केल कैसे करना है, ठीक है। तो बूटस्ट्रैपिंग उन लोगों के लिए है जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। आगे बढ़ने से पहले अगेन एक तो थम्स अप कर दें कि आप लोग को मजा आ रहा है नहीं आ रहा, मतलब एक इंटरेस्टिंग फील हो रहा है नहीं आ रहा, ये भी बताएं, और ये भी बताएं कि मेरी स्क्रीन और मेरी जो है वो क्या होता है स्क्रीन और आवाज आ रही है सही आपको या नहीं आ रही। फाइन मोहम्मद अजहर सलीमी, थैंक यू सो मच। चलें जी आगे चलें, आगे चलते हैं जी। अच्छा जी 2020 कंप्लीट हुआ हमारा, हम आ गए 2021 में, ठीक है जी। ये इस साल मैं कहता हूं कि एम जोनर कंसल्टिंग जो मेरा प्राइमरी बिजनेस था उसको मैंने स्केल किया और 2 offices तक हम लोग गए और इसमें जो है वो हमारे पास 25-28 एम्प्लॉयज हमने माशाल्लाह इसमें किए थे। तो इस साल अगर मैं अगर स्टार्टिंग से चलूं तो एक जो है वो अमेजोन तो चल ही रहा था, उससे इसके साथ हमने एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के साथ पार्टनरशिप की, ठीक है। उनको हमने क्योंकि हमें तकरीबन 1 साल हो गया था तो हमने उसको गाइड किया कि किस तरीके से वो स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग एक उसमें थी ना, एक पोजिशन में थी, तो उनको हमने काफ़ी हेल्प की। हमने बहुत ज़्यादा अमेजोनर कंसल्टिंग के अंदर जो है वो हमने सिस्टम्स बनाए, चीज़ें बनाई, बहुत सारी चीज़ें की। फिर हमने जो है वो EMP स्टार्ट किया 2021 के आई थिंक इट वाज नवंबर। EMP काफ़ी लोग आप लोग जानते हैं, ई कॉमर्स मूवमेंट पाकिस्तान के नाम से, और उसको भी हमने बड़े ज़बरदस्त तरीके से शुरू किया। हमने अपने आप को टारगेट किया कि पहला वो बेसिकली EMP कोर्स है, ई कॉमर्स में, ई कॉमर्स पाकिस्तान में ई कॉमर्स कैसे किया जाए, उसका पूरा एक पूरा डिटेल कोर्स था 2 महीनों का, 40,000 हमने उसके चार्ज किए थे। उसमें स्टेप बाय स्टेप मार्केट एनालिसिस, प्रोडक्ट, और फिर कैसे आप उसको सोर्सिंग कैसे करोगे, फिर आप जो है उसको उसकी मार्केटिंग कैसे करोगे, उसको डिलीवर कैसे करोगे, टैक्स के अकाउंट होंगे, TCS के अकाउंट होंगे, क्या होगा, एथिकल वैल्यूज का कैसे ख्याल रखोगे, स्केल कैसे करोगे, वो इट वॉज ह्यूज, बड़ा ज़बरदस्त वो था। और मजे की बात हमने भी उसको स्टार्ट जो है उसी तरीके से किया था, हमने अपने आप को टारगेट दिया था, आई थिंक 25th अक्टूबर था पिछला साल, और हमने टारगेट दिया कि मैंने और हसान ने कि 21 नवंबर को हमें पहला सेशन लेना है। भाई पहला सेशन कैसे लें, कैसे ऑडियंस आएगी, और 40,000 पे एक बंदा कैसे निकालेगा, और हमारा टारगेट था 15-20 स्टूडेंट्स, तो कैसे। लेकिन हमने हाइप क्रिएट की, हमने जो है वो चीज़ें की, और हमें ऑलरेडी आता था। देखिए मैं स्कैम करने की बात नहीं कर रहा यहाँ पर कि भाई जो आता नहीं है बस हाइप क्रिएट करो और फौरन लग जाओ, नहीं, आपको वो चीज़ आनी चाहिए। 1.5 साल से हम लोग ई कॉमर्स कर रहे थे तब जाके फिर हमने सिखाना शुरू किया ई कॉमर्स मूवमेंट पाकिस्तान, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया आप लोगों की तरफ से। टोटल 20 या 25 हमारे पास स्टूडेंट्स थे और काफ़ी लोगों ने इसमें लॉन्चेस की, और 2-3 स्टूडेंट्स ने तो दूसरे या तीसरे महीने ही जो है वो 10 लाख का रेवेन्यू कंटिन्यूसली जनरेट करना भी शुरू कर दिया था अपनी अपनी वेबसाइट से। तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स हमें वहाँ पर मिला, और इसको भी हमने काफ़ी क्विकली स्टार्ट किया था। लोकल ई कॉमर्स जो हमारा चल रहा था उसको हम लोग स्केल कर रहे थे, ठीक है।
एंड लॉन्च प्रोडक्ट्स ऑन अमेजोन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. हमने जो है ना वो एक सेलर था अमेजोन का, उससे हमने उसका ब्रांड पूरा हमने परचेज किया था. और उसका ब्रांड परचेज करने के बाद उसका सेलर सेंट्रल सारी चीजें वहां पर, फिर हमने उस ब्रांड पे उनके प्रोडक्ट्स भी हम लोगों ने सेल किए थे और अपने प्रोडक्ट्स भी काफी लॉन्च किए थे. तो यहाँ पर भी हमारे लिए काफी मजे वाला ये सीन था. अच्छा जी, टॉप लर्निंग्स ऑफ द ईयर 2021, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई कंसिडरिंग पार्टनरशिप्स जज वेदर द पर्सन हैज द एंटरप्रेन्योरियल ट्रेट्स माइंडसेट. ये मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की जो हमने पार्टनरशिप की थी. इसमें बेसिकली वो अभी पार्टनरशिप हमारी खत्म हो चुकी है, बट उससे हमने क्या सीखा, उससे हमने ये सीखा कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि हाउ ग्रेट इज द आइडिया, हाउ ग्रेट इज द एग्जीक्यूशन, या क्या है क्या नहीं है. द ओनली थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट इज द पर्सन दैट यू आर डूइंग पार्टनरशिप विद हैज द एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट और नॉट. ये जो शार्क टैंक ये सब चीजें आप लोग देख रहे होते हैं, इसमें जो टॉप चीज जज करने वाली होती है वो प्रोडक्ट आइडिया वगैरह ये सब चीजें बाद में होती हैं. पहले वो देखते हैं कि यार सामने वाले बंदे की वो एक एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट भी है उसका नहीं है. ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस. और इसमें अक्सर दफा आप लोगों ने ये भी नोट किया होगा, काफी अच्छा आइडिया होता है लेकिन सामने वाला जवाब नहीं दे पाता है, उसमें एंटरप्रेन्योर माइंडसेट नहीं होता या उसको स्केल करने का तरीका नहीं पता होता, इस वजह से जो शार्क्स होते हैं वो रिजेक्ट कर देते हैं उनकी ऑफर. तो दिस इज अच्छा. फिर इसमें 2021 मैंने बताया कि स्केल किया हमने एम जोनर को दो ऑफिस में अल्हम्दुलिल्लाह. और इसमें हमने बिजनेस केपीआई स्टडी की, बिजनेस जो है सिस्टम्स हमने कैसे बनाने, कैसे इंप्लीमेंट करने, क्या करना है, वो सब चीजें हमने यहाँ पर की. अच्छा जी, तो दैट वाज 2021 फॉर यू गाइस. मूविंग फॉरवर्ड दिस करंट ईयर, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इस करंट ईयर के लिए, खास करके एट दिस करंट मोमेंट. तो इस साल हमने क्या किया, इन्वेस्टिंग एंड पार्टनरिंग इन डिफरेंट बिजनेसेस. सबसे पहले हमने जो है वो अमेजॉन ड्रॉप शिपिंग, अगर आप लोगों को पता हो, वो हमने स्टार्ट की. उसमें हमने क्विकली हमने बहुत अच्छे पैसे जनरेट किए. और वहां पर भी एक अच्छा सीन, बुरा सीन ये हुआ कि हमारे जो जो अमेजॉन का जो अकाउंट था उसमें जो क्रेडिट कार्ड लगा हुआ था वो उसका लगा हुआ था जिससे हमने वो अकाउंट खरीदा था. तो जितनी भी हमारी अर्निंग हुई वो उसके क्रेडिट कार्ड में चली गई और उसने अपना नंबर बंद किया, व्हाट्सएप से डिलीट किया, टाटा बाय बाय हो गया. और हमने बड़े पैसे जो है वो अमेजॉन ड्रॉप शिपिंग में लूज किए. अगेन एक लर्निंग है हमारे लिए. लोकल ई कॉमर्स पार्टनरशिप हमने स्टार्ट की, और क्योंकि हमारे पास ऑप्शन थे कि या तो हम एम जोनर को पूरा फुल टाइम स्केल अप करने में टाइम लगाएं, या तो हम जो है वो दो तीन चीजें और करें. तो वहां पर लोकल ई कॉमर्स खुद करने के बजाय हमने बोला कि उसको पार्टनरशिप पे स्टार्ट किया जाए. तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से चल रही है, बड़ा अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, और उसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट भी रेज कर रहे हैं, काफी प्रोडक्ट लाइन स्टार्ट हो गई हैं. बड़ा अच्छा जो है वो लोकल ई-कॉमर्स में हमारे साथ चल रहा है, और हम स्लीपिंग पार्टनर हैं और वर्किंग पार्टनर कोई और है. अच्छा जी, देन इन्वेस्टेड इन बिटकॉइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इसमें हमने जो है वो बहुत गलत किया, हमने अपने प्रॉफिट्स के साथ हमने क्या किया, हमने 10 लाख रुपीज लूज किए. इसमें एक नया वो आया था, स्ट्रॉन्ग कॉइन था, और आप अभी भी जाके कॉइन गैको में, या ये जो है द मार्केट, कॉइन मार्केट जो है वेबसाइट जो दो बेसिकली यूज होती है हिस्ट्री देखने के लिए और करंट प्राइस वगैरह देखने के लिए, उसमें आप जो ये है स्ट्रॉन्ग कॉइन है उसकी जरा हिस्ट्री देखें. और हमने ये इन्वेस्टमेंट की थी तकरीबन जनवरी फरवरी में किया था, और देखें जनवरी फरवरी के बाद वो क्या क्या हुआ है, उसके साथ क्या हाल हुआ है. बहुत इस इन्वेस्टमेंट से हमने बहुत सीखा कि जब तक आपको जो है वो डोमेन नॉलेज नहीं है, जब तक आपको जो है वो चीजों को करना किस तरीके से ये नहीं पता, तब तक आप उतने पैसे इन्वेस्ट नहीं करो जितने आप लूज नहीं कर सकते. अगर हम बिटकॉइन में 1 लाख रुपए लगाते और सब कुछ यही सब कुछ होता, हमें कोई टेंशन नहीं थी, कोई मसले वाली बात नहीं थी. हमने उतने लगाए उस बिजनेस में जो कि हमें नहीं आता था, जितने अगर हम खो देते या खो दिए हैं तो हमें मुश्किल हुई. मैं इसको रिफ्रेस करता हूँ, अजीब सा जुमला बन गया ये. किसी भी जगह पे इन्वेस्ट करने हैं, लगाने हैं, उतने लगाओ जितने अगर लूज हो जाएं तो आपकी जात पे कोई फर्क ना पड़े. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग, इसको रिपीट पे सुनिएगा. उतने लगाओ पैसे जितने अगर डूब जाएं तो आपकी जात पे कोई फर्क ना हो. आपके पास 100 रुपए हैं, कोई बोल रहा है कि किसी बिजनेस में 100 रुपए लगा दो, कभी नहीं लगाना. 5% लगा दो, 10% लगा दो, बहुत बिलीव करते हो 15% लगा दो, 20% लगा दो, बट 100% नहीं. ठीक है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह अमेज़न कंसल्टिंग ने प्रॉफिट देना शुरू किया क्योंकि डॉलर्स में आ रहे थे चीज़ें, और हमारी जो खर्चा है वो उसमें था, पीकेआर में था. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो प्रॉपर्टीज बाय करना स्टार्ट कर दी. ठीक है जी,
तो दैट वाज 2021। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट स्टार्ट होगा कि अभी जो पार्क पेस का आप लोगों देख रहे हैं, मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर अब आएगा स्टार्टेड पार्क पेस, ठीक है जी। टॉप लर्निंग्स ऑफ दिस ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दो तीन बहुत बड़े लेवल के लोगों से मैंने मीटिंग की, जो जिनको मैं समझता हूँ वो सक्सेसफुल है, जिन्होंने जो है वो 800 एम्प्लॉयज की कंपनी भी वो लोग चला रहे हैं, अरबों रुपए का वो पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं। उनके साथ मीटिंग की और मुझे एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि मेरा मेरा बेसिकली गोल ये था। मैं जब कोई मुझसे गोल पूछता था तो मैं ये बोलता था कि मैं 35 ईयर्स तक बहुत काम करना चाहता हूँ। इसके बाद जो है ना वो मैं मतलब काम तो करना चाहता हूँ, लेकिन वो ना फिर मैं फिर इंजॉय करूंगा 35 ईयर्स के बाद। ये मेरा कॉन्सेप्ट था जो कि गलत था। तो वहां पर इन लोगों ने मुझे मेरा कॉन्सेप्ट ठीक है, उन्होंने बोला कि एंजॉय द जर्नी, डोंट वेट फॉर द एंड पॉइंट, ठीक है ना। उन्होंने एग्जाम्पल इस तरीके से दी कि हमने भी अपनी जो है ना 40 ईयर्स हमने अपने आपको गोल दिया था, वो 40 जब पहुंचे तो हमें 50 करना पड़ा, जब 50 पहुंचे तो हमें 60 करना पड़ा। तो भाई ये नेवर एंडिंग लूप है। इस वजह से जो जर्नी है उसी के अंदर अपने आप को एंजॉय करो। जो चीज आप 35 के बाद करना चाहते हो, स्लोली स्लोली आहिस्ता आहिस्ता वो अभी भी स्टार्ट आप कर लो। घूमना चाहते हो, ट्रिप जो है ना वो आप 5 ट्रिपे लगाना चाहते हो, साल में एक ट्रिप से शुरू करो, बट जर्नी के अंदर ही जो है वो एंजॉय करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हमारी पार्टनरशिप भी दो तीन लोगों के साथ जो है वो हुई, वो भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब एक जैसे ही हमने एमेजोन में स्टार्ट की थी, 6 महीने के बाद हमारी जो है वो हमें एक ऑफर मिली। हमें 50% ऑफ द इक्विटी एमेजोन की देनी थी 2 करोड़ रुपए के ऊपर। तो वहां पर एक तो हमें परसेंटेज ज्यादा लगी थी, दूसरे जो सामने वाली पार्टी थी वो उसका और हमारा एक रिलेशन वो नहीं बन पा रहा था, एक सेटिंग नहीं बन पा रही थी। तो इस वजह से हमने हमने उनको मना कर दिया। फिर एक बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस है, 300 एम्प्लॉयज है उनके, उनके साथ फिर हमारी मीटिंग हुई। एक मीटिंग, दो मीटिंग, तीन मीटिंग, 4 मीटिंग्स तक हो गया। बट उन्होंने जो ऑफर की वो बिल्कुल ही अजीब थी। वो तो कह रहे थे कि एम्स ओनर कंसल्टिंग को खत्म करो, नई कंपनी शुरू करते हैं और नए सिरे से। तो वो एक अजीब सी बिल्कुल बात थी, तो वो हमें करनी पड़ी। फिर एक तीसरी जो है पार्टनरशिप, वो भी बड़ी वो थी, इंटरेस्टिंग थी। उसमें हमें जो सामने वाला बंदा है वो एक नेगेटिव माइंडसेट का लगा, तो इस वजह से हम जो है वो उसको हमने मना कर दिया। तो ये पार्टनरशिप भी बहरहाल हमने हुई, उससे हमने बहुत सीखा। ये सब चीजें जो हुई हैं कि हम इतने लोगों से मिल रहे हैं, उनसे हम जिंदगी के बारे में सीख रहे हैं, इतनी पार्टनरशिप्स कर रहे हैं, उनसे हम बिजनेस के बारे में सीख रहे हैं, डिफरेंट हम सेशंस ले रहे हैं, डिफरेंट हम लोग वर्कशॉप्स ले रहे हैं। स्मैडा का अगर आपने नाम सुना हो, पाकिस्तान की स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस का एक वो है, एक गवर्नमेंट एक एक विंग है जो स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस को हेल्प करती है, उनकी हमने डिफरेंट ट्रेनिंग्स ली। तो ये सब हमने क्यों किया? ये सब हमने किया क्योंकि हमें पता था कि मेंटोरशिप कितनी जरूरी है, कोचिंग कितनी जरूरी है। हम आज मैं अगर समझता हूँ कि 2-3 साल से मैं एक्टिव बिजनेस कर रहा हूँ, और अगर देखा जाए तो पिछले 5 सालों से कर रहा हूँ, तो अगर स्टार्टिंग के 2 सालों में मेरे पास कोई आता और मेरा मेरा हाथ पकड़ के मुझे बताता, कमाल ये स्टेप है पहला, ये हो जाए तो फिर मेरे पास आना, फिर मैं नेक्स्ट सेकेंड स्टेप बताऊंगा। फिर जब मैं सेकंड स्टेप के लिए जाऊं वो बोले कमाल वेरी गुड, ये थर्ड स्टेप है, जब इस पे पहुंच जाओ फिर मुझे बताना, फिर फोर्थ स्टेप, सिक्स स्टेप। और यकीन माने हमें तो ऐसा लगता था कि बिजनेसेस में स्टेप्स होते ही नहीं है। ओ भाई, मेरी आंखें खुल गई, आई वॉज शंट, कि जब मुझे पता चला कि भाई रिटर्न प्रॉपर तरीके से स्टेप्स हैं, जिस स्टेज में आप हो उस स्टेज में क्या स्टेप्स लेने हैं, ये रिटर्न है। जो आप अगर लेट से स्ट्रगलिंग फेज में हो तब क्या स्टेप्स आपको लेने हैं, दीज आर रिटर्न। जब आप सर्वाइवल फेज में हो तब क्या करना है, उसके भी हैं। जब आप स्टेबिलिटी में जाते हो तब क्या करना है, उसके भी हैं। जब आप स्केल जब आप सक्सेस में आते हो तब क्या स्टेप्स हैं, वो भी। और जब आप जो है वो जब आप जो है वो स्केल की तरफ जाते हो, तो 5 स्टेजेस होते हैं बिजनेस के, वो भी मैं आगे के जो सेशंस होंगे उसमें मैं एक डिटेल में आपको बताऊंगा। बट स्ट्रगल, सर्वाइवल, स्ट्रगल, सर्वाइवल, स्टेबिलिटी एंड सक्सेस एंड स्केल, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमें पता चला कि द नीड ऑफ मेंटोरशिप जो है वो कितनी ज़्यादा जो है वो हमें ज़रूरी है। तो ये ओवरऑल था मेरे बारे में कि मेरी बिजनेस जर्नी में मैंने क्या क्या चीज़ें की, किस तरीके से की। क्विकली कुछ स्लाइड्स और उसको देख लेते हैं। आप कब से लोगो देख रहे हैं ऊपर राइट साइड पे, पार्क पेस, पार्क पेस, पार्क पेस। वॉट इज पार्क पेस? पार्क पेस जो है वो हमने स्टार्ट किया है, और बड़ा इसको हमने क्लासिक जो है वो लोगो बनाने की कोशिश की है, पाकिस्तान को भी दिखाने की कोशिश की है। बेसिकली पार्क पेस जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू जो स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस हैं उनकी हेल्प की जाएगी, और वो उन लोगों को ग्रोथ करने में उनकी हेल्प की जाएगी। बेसिकली मैं ये समझता हूँ
कि एक एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, वो लिटरली वो अपनी लाइफस्टाइल लगा देता है, वो अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है, और उसको बदले में क्या मिलता है? वो एट द एंड ऑफ द डे सालों साल वो क्या करता है, वो समझता है कि वो ग्रो कर रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो अपनी एक तरह से सैलरी निकाल रहा है और कुछ प्रॉफिट्स निकाल रहा होता है। क्या ये लाइफ है एक एंटरप्रेन्योर की? या ये लाइफ है कि उसको इतना जबरदस्त बिल्ड करे अपने बिजनेस को, फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग हो कि वो 2 साल 3 सालों के अंदर बिजनेस उसका सक्सेस फेज में आ जाए। और सक्सेस फेज की डेफिनेशन ये है कि बिजनेस रन कर रहा हो बगैर उसकी इन्वॉल्वमेंट से, बगैर उसकी डेली इन्वॉल्वमेंट से। मतलब बिजनेस को मैनेजर्स डील कर रहे हो और वो मैनेजर को डील कर रहा हो सिर्फ, और ग्रोथ के ऊपर काम कर रहा हो बिजनेस की, ना कि डे टू डे एक्टिविटीज, हायरिंग के अंदर, ऑपरेशंस के अंदर, R&D के अंदर, अकाउंट्स के अंदर, सेल्स के अंदर, मार्केटिंग के अंदर। क्यों? वो काफी सारे लोग मैंने ऐसे देखे 20 20 सालों से वो इन्हीं एक्टिविटीज के अंदर फंसे हुए। तो भाई आप सक्सेस फेज में कब आओगे बिजनेस के? तो पाक पेस हमारा काम ये है कि हम जो है वो स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस जो हैं उनको हम लोग हेल्प करें, ताकि वो लोग हार नहीं माने और वो लोग कंटिन्यू करते रहे अपनी बिजनेस जर्नी, और नेशन के अंदर वो लोग जो है वो अपनी जो है वो नेशन बिल्डिंग में अपना अपना रोल प्ले करते रहे। तो दैट दैट इज ए पाक पेस। अच्छा जी, थैंक्स फॉर स्टेइंग हियर, आर द 3 सरप्राइजेस फॉर यू गाइज। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे पहला मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ओवरऑल जर्नी जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी। बेस्ड ऑन दिस जर्नी, बेस्ड ऑन माई लर्निंग्स, और इतना कुछ अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें की हैं, इतना सीखा है, इतनी मीटिंग्स की हैं, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं समझता हूँ कि ये सब नॉलेज मैं अपने दिमाग में रखकर ना मैं इस पर जंग भी लगा रहा हूँ, और दूसरा जो है वो मैं एक एक ना एक कम्युनिटी को जो है ना वो एक मैं वो नहीं दे रहा, एक अच्छी चीज़ नहीं दे पा रहा अपने पास रख के। तो इसी सोच के ताल्लुक मैंने जो है वो एक बड़ा जबरदस्त बिजनेस ब्रेक थ्रू वर्कशॉप करने जा रहा हूँ, जिसकी प्राइस सिर्फ 299 है, 300 रुपीज है, और जिसकी वैल्यू मैं समझता हूँ कम से कम कम से कम कम से कम 3000 रुपीज से कम नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये 10,000, 15,000, 20,000 कोई नहीं है, क्योंकि जो वैल्यूज मैं आपको इस 2 घंटे की लाइव वर्कशॉप में बताऊंगा, वो पूरे स्टेप्स होंगे कि आप लोग को क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। आप जिस स्टेज में हो आपको क्या करने चाहिए, आप जिस स्टेज में हो आपको क्या करने चाहिए। इट्स मैं इस पे इतना बिलीव करता हूँ गाइस, कि आप मेरी एक्साइटमेंट से खुद ही फील कर रहे होंगे कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ उसके लिए। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि आप लोग अपने टाइम और वेल्थ को अनलॉक कैसे करोगे बिजनेस में, ठीक है। लर्न स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल एक्टिविटीज टू विन इन बिजनेस, लर्न हाउ टू इंक्रीज रेवेन्यू एंड कैश फ्लो, सेल्स एंड मार्केटिंग। गाइज इट्स इतना इतना इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, कंसिस्टेंट सेल्स एंड मार्केटिंग इतना इम्पोर्टेंट है। और जो इन एंटरप्रेन्योर है वो स्ट्रगल इस वजह से करता है क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में, वो HR को ठीक करता है तो फिर ऑपरेशन में चले जाता है, ऑपरेशन को ठीक करता है तो सेल्स में चले जाता है, सेल्स को ठीक करता है वापस ऑपरेशन में आता है, वो घूमता ही रहता है, सालों साल हो जाते हैं। तो भाई अगर ऐसा घूमना फिरना होगा तो सेल्स कंसिस्टेंट कैसे रहेंगी, ठीक है। तो सिस्टम बिल्डिंग और सेल्स और मार्केटिंग की कंसिस्टेंसी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। एंड लर्न हाउ टू क्रिएट मोर प्रॉफिट्स, मोर फ्रीडम एंड इवेंचुअली मोर स्केलिंग। तो गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 300 रुपीज सिर्फ इसकी प्राइस है, और ये लिंक है www.kamalhussain.com/business-breakthrough-workshop। इस लिंक पे जाएं और अभी अपने आप को एनरोल करें। मैं आपको किस तरीके से बताऊं कि कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मैं ये भी मैं मेरा मेरा इसके अंदर ये है कि अगर आप लोगों को वैल्यू नहीं दिखे, आप लोग मुझसे रिफंड मांगो, रिफंड के ऊपर रिफंड मांगो, 3 टाइम्स रिफंड आप मुझसे मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ, इतनी बड़ी बात मैं कर दूंगा, ठीक है। अगर आप लोगों को ये ट्रेनिंग से फायदा नहीं हो तो ये 2 आवर्स की ट्रेनिंग जो कि मैं 29th of October को करने जा रहा हूँ, सुबह 10 बजे की टाइमिंग है, 10 से 12, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, ठीक है जी। तो इसको इसको इंशाल्लाह ज्वाइन करना है। सेकंड सरप्राइज, इफ यू वांट द PDF ऑफ दिस प्रेजेंटेशन अलोंग विद माय टॉप 20 बिजनेस एंड लाइफ लर्निंग्स, तो इस लिंक पे जाएं www.bit.ly- ये देख लें। मैं जो है वो इसको उस पर भी लिख लेता हूँ, चैट में भी लिख लेता हूँ, आई होप कि मैं लिख पाऊँ। आई थिंक मैं लिख नहीं पा रहा, मैं फिर आपको जो है वो अपनी प्रोफाइल में या आपके उसमें शेयर कर दूंगा। अच्छा गाइस, आप लोग के सवाल भी मैं थोड़ी सी देर में लूंगा। जिस तरह से मोहम्मद अजहर ने पूछा कि ये इन पर्सन होगा या ऑनलाइन होगा, मोहम्मद अजहर इट विल बी ऑनलाइन, ठीक है। ये जो है वो ऑनलाइन कोर्स होगा, ठीक है। वापस आते हैं प्रेजेंटेशन पे, मैं आप लोगों के सवाल थोड़ी देर में आखिर में फिर लेता हूँ, ठीक है जी।
तो अगर ये पूरा ये जो मैंने पीडीएफ बनाई ये पूरी चाहिए आपको, अलॉन्ग विद बहुत सारे और भी लर्निंग्स हैं जो कि मैं इस लिमिटेड टाइम में नहीं बता सकता, जो कि मैंने पीडीएफ में डाले हुए हैं, वो बिजनेस लर्निंग्स हैं और लाइफ लर्निंग्स हैं। अगर वो आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हो तो इस लाइन पे जाके आप लोग उसको एक्सेस कर सकते हो, 1 से 2 दिन में हमारी टीम जो है वो आपको ईमेल कर देगी। ठीक है जी, तो दिस वॉज द सेकेंड सरप्राइज। थर्ड सरप्राइज, मैं अभी फॉर द वेरी लिमिटेड टाइम मैं फ्री बिजनेस कंसल्टेशन कॉल्स दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको कॉल स्केड्यूल करनी है तो मेरी वेबसाइट पे जाएं www.kamalhussain.com/schedule-a-call। ठीक है जी, इसमें अपना टाइम स्लॉट आप लोग सेलेक्ट करें और मोस्ट प्रोबेबली मैं जो है वो शायद 3-4 दिन तक या मे बी नेक्स्ट वीक तक मैं कॉल्स लूंगा। इसके बाद ये पेड वर्जन हो जाएगा क्योंकि हाफ आवर का सेशन होगा, उसमें काफी वैल्यू में दे रहा हूँ तो वो एक पेड वर्जन हो जाएगा, बट अभी के लिए लिमिटेड है तो इस पर भी आप लोग जाकर अपने अपने अपनी कॉल्स जो है वो स्केड्यूल कर सकते हैं। तो ये 3 सरप्राइजेस थे, लास्ट स्लाइड ऑफ द डे, देन हम क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाएंगे। वेयर टू फाइंड मी, ये क्विक जो है वो चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अच्छा जी, सबसे पहले वेबसाइट को देख लेते हैं। ये क्विक मैंने वेबसाइट बनाई है kamalhussain.com, यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं। यहाँ से भी आप लोग बिजनेस ब्रेक थ्रू जो वेबिनार है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ज्वाइन नाउ करके यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स डालिएगा तो टीम आपसे कॉन्टेक्ट करेगी और आपसे पेमेंट टर्म्स जो है वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। ठीक है, तो दिस इज अबाउट बिजनेस ब्रेक थ्रू वेबिनार। ठीक है जी, देन थोड़ी सी मेरी जर्नी क्विकली मैंने यहाँ पर भी बता दी है। अगेन ये यहाँ पर अगर आप जो है वो कॉल बुक करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप लोग क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और जितने मेरे सोशल मीडिया चैनल्स हैं वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी, तो स्केड्यूल अ कॉल ये आ गया यहाँ से। ठीक है, आप कोई भी डे चूज करके आप स्लॉट चूज करके इसको स्केड्यूल कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट माई वेबसाइट, ये भी मैंने रिसेंटली लॉन्च की है। अगर आप चाहते हैं मैं इस पर भी बात करूँ कि भाई मैंने 1.5 दिन में ये वेबसाइट कैसे बनाई है तो भी आप लोग मुझे मैसेज करें, तो अगर मुझे सफिशियंट अगर लोगों ने रिक्वेस्ट की तो इंशाल्लाह मैं भी इस पर वीडियो बनाऊंगा। फेसबुक पेज, अच्छा जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फेसबुक पेज को आप लोग फॉलो करें। ठीक है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मैं अभी जो है ना वो आज के बाद अपने पर्सनल पेज पे जो है वो चीज़ें करना बंद हो जाऊंगा और मैं अपने पर्सनल प्रोफाइल पे चीज़ें शेयर करना बंद हो जाऊंगा और मैं अपने पेज पे करूंगा। तो ये पेज है कमाल facebook.com/95kamalh के नाम से, आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। और इसमें जो है वो मैंने अभी से ही काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करना भी स्टार्ट कर दी हैं। इस तरीके से डेली का जो है वो सोशल मीडिया का हमारा पोस्ट होता है जिसमें एक्सक्लूसिव बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें जो है वो हम लोग शेयर कर रहे होते हैं बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है, जिस तरीके से जो हमारे पास ये वीडियो मैंने शेयर की थी, उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगी थी। और फिर ये वाला, इफ़ यू आर सेलिंग टू एवरीवन यू आर सेलिंग टू नो वन, यू मस्ट बिलीव इन योर प्रोडक्ट सर्विस फर्स्ट। इस तरीके से डेली जो है वो पोस्टिंग हमारी होती है जिसमें हम काफ़ी अच्छी चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो स्टे कनेक्टेड विद माई पेज नॉट विद माई प्रोफाइल, और क्योंकि पेज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अच्छा जी, YouTube में मैं जबरदस्त वीडियोस भी इंशाल्लाह डाल रहूंगा। अभी तक मैंने एक वीडियो और एक शॉर्ट वीडियो भी डाल दी है, एक शॉर्ट YouTube शॉर्ट्स जो होता है। ठीक है, तो पुरानी वीडियोस को इग्नोर करें, ये दोनों वीडियोस हो चुकी हैं। इसमें मैंने टारगेट अपने आपको दिया वीक में 3 वीडियोस तो बिजनेस से रिलेटेड, तो इंशाल्लाह ये भी मेरा टारगेट होगा। इंस्टाग्राम भी है और इस तरीके से लिंक्डइन भी है। ठीक है जी, बट मैं मोस्टली यूज करता हूँ फेसबुक, तो फेसबुक पेज पे आप लोग मुझे मैसेज करें तो उससे हम लोग काफी अच्छे तरीके से रीच आउट हो जाएंगे। ठीक है जी, फेसबुक पे भी सॉरी इंस्टाग्राम पे भी डिफरेंट चीजें मैं शेयर कर रहा होता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो दैट इज हाउ यू गाइज कैन फाइंड मी एंड दैट इज अबाउट ऑल अबाउट द सेशन। आप लोगों के अगर सवाल हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। और बिजनेस जो ब्रेक थ्रू प्रोग्राम है उसमें आप लोग जो है वो एनरोलमेंट्स की कर लें, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम के लिए मैंने उसको 300 रखा हुआ है, बट द वैल्यू इज नॉट 300, ये जस्ट एक फर्स्ट मैं कर रहा हूँ, तो इस वजह से इसको मैंने 300 किया हुआ है, इसको मैं इंक्रीज कर दूंगा। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि एज सून एज पॉसिबल जो है वो आप लोग बिजनेस ब्रेक थ्रू वेबिनार जो होगा 29th of October उसमें आप लोग जो है वो एनरोल कर लें। ठीक है, 29 अक्टूबर 10 AM to 12 PM 2 घंटे का सेशन होगा। ठीक है जी, आप लोग के अगर कोई और सवाल है तो आप लोग पूछ लें।
अदरवाइज हम जो है वो इस मीटिंग को एंड कर देते हैं अभी. थैंक यू सो मच गाइज आने के लिए. और दूसरा ये कि मैं इसका रिकॉर्डेड सेशन जो है वो मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा और अपने पेज पे भी डाल दूंगा, ताकि जो लोग जिन लोगों ने मिस किया वो इसको वापस से देख सकें और इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें. तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.